अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। आज वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जी की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे बाय फ्री फॉल मेथड, और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर इसके लिए हम यूज़ करेंगे। हमारे पास ये अपरेटस है जिसको हम फ्री फॉल ऑपरेटर्स कहते हैं। इसमें हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है, इसका हम स्विच ऑन कर देते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमर ऑन हो गया। एक हमारे पास स्टैंड है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये ऑपरेटर्स जो है ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो है ना पूरा सेट आपको मिल जाएगा इजीली। ये हमारे पास वायर है, ये वायर जो है इसका क्या काम है, ये आपका ये जो रेड वाली वायर है ये इससे आप सोलेनाइड को कनेक्ट कर सकते हैं इस सर्किट के साथ। ये आपके पास सोलेनाइड जो है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये वाला, इसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाली वायर आप इधर अटैच कर लें, ये वाली। ये इसके साथ ना हमारे पास क्लैंप है जिसकी मदद से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने ये स्टैंड के साथ जो लगाया हुआ है, ये हमारे पास एक क्लैंप होता है। और फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो है ये एक प्लेटफॉर्म आप समझ लें जिसके ऊपर बॉल आके हमारी गिरेगी। जब हम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ हमारा एक सेंसर भी लगा हुआ होता है। ये जो वाइट वाली वायर है इसको हम इस सेंसर के साथ लगाते हैं। ये जो हमारे पास ये वाली वाइट वायर जो है ये सेंसर के साथ जो लगी है, इसका जो दूसरा आपका एंड है इस वायर का, इसको हम इस सर्किट में गेट स्विच जो हमारे पास ये है इसके साथ हम लगा देते हैं, गेट स्विच के साथ। ये अब इसका फ़ायदा क्या है आप देखिएगा सर। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इसके नीचे एक जगह बनी हुई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली ये जगह बनी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। हम इसके साथ ये आयरन की बॉल जो हमारे पास मौजूद है, ये आयरन की बॉल हम इसके साथ जो है वो अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसका हम स्विच ऑन कर देते हैं। ये आपके पास ये बटन लगा हुआ है यहाँ पे मैग्नेट का, ये इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे इस मैग्नेट के बटन को, तो ये देखिए अब यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ऑन हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब ये आयरन की बॉल जो है हम ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं, ये अटैच हो गई, आप ज़रा देख सकते हैं ये बॉल अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जैसे ही स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ना टाइम चलना शुरू हो जाएगा, ये जो टाइमर लगा हुआ है ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं यहाँ से टाइम स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से आपका मैग्नेट जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये बॉल जो है जब जैसे ही यहाँ से मैग्नेट आपका ऑफ होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बॉल जो है वो फॉलिंग करना स्टार्ट कर देगी। फॉल करके ये बॉल जो है आपकी इस जगह पे आके गिरेगी। जब इसके साथ बॉल आपकी हिट करती है तो यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, ये आपका सेंसर लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस सेंसर जैसे ये बॉल यहाँ पे हिट करेगी, सेंसर की मदद से जो है आपका जो है ना वो सिग्नल इस सर्किट तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से ये टाइमर जो है वो रुक जाएगा। यानी आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आपकी बॉल जो है वो हिट कर चुकी है। और अब ये जो हमने स्टैंड लिया हुआ है, स्टैंड के ऊपर आपको एक स्केल नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये 35, 36, 37, ये आपका ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्केल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है आपका, ये वाला स्केल आपका 100 सेंटीमीटर का है। अब जैसे ही बॉल यहाँ से आपके गिरेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट से लेकर इस बॉक्स तक जिसमें आके गिरेगी बॉल, यहाँ तक की हाइट कितनी रखी है मैंने, यहाँ तक की हाइट मैंने रखी है 50 सेंटीमीटर। अब बॉल जब यहाँ से गिरेगी, जाहिर बात है 50 सेंटीमीटर तक नीचे आएगी, नीचे आके जैसे हिट करेगी तो आपकी क्लॉक जो है वो स्टॉप हो जाएगी।
क्लॉक स्टार्ट हो जाती है उस वक्त टाइम काउंट करना स्टार्ट होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपकी बॉल फॉल करती है और जब आके अपनी जगह पे वो हिट करती है तो ये वाली क्लॉक आपकी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। और फिर इस क्लॉक के जरिए हम टाइम नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा, हम यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाते हैं। अब ये देखिए, जैसे ही बॉल यहाँ पे हिट, बॉल ने हिट किया है, अब जैसे स्टार्ट का बटन दबाएंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसका स्विच ऑफ हो जाएगा और ये आपकी आयरन बॉल जो है ये नीचे आके फॉल करेगी। जैसे ही फॉल करेगी तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक टाइमर टाइम नोट करेगी और बॉल के साथ जैसे ही बॉल जो है वो फॉल करती है टाइम रुक जाता है। और फिर हम यहाँ से जो है वो टाइम मेजर कर लेंगे कि ये जो आयरन बॉल है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से यहाँ तक आने में, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है। अब हम इसका स्टार्ट का बटन दबाने लगे, ये बॉल फॉल कर गई। अब आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 33 सेंटीसेकेंड्स बेसिकली हुए हैं बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से लेकर हमारा इस बॉक्स तक ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास जो आता है 0.5 मीटर। हमने हाइट जो रखी थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से लेकर उस बॉक्स तक थी जहाँ पे हिट करना था बॉल को, वो हाइट हमारी 0.5 मीटर थी। टाइम जो है वो हमारा 33 सेंटीसेकेंड आया था। अगर हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये 0.33 सेकेंड होता है। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम अगेन रिपीट करें तो हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यू में वेरिएशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बार आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी को दोबारा रिपीट करते हैं और आपकी बार जो टाइम आया है वो 0.32 सेकेंड आया है, तो आप दो दफ़ा इसको परफॉर्म करके दोनों का मीन निकाल सकते हैं। तो एक टाइम अगर 0.33 है और दूसरा 0.32 है तो इसका मीन हमारे पास आ जाता है 0.32। मीन निकालने के लिए आपको पता ही है कि हम जो दोनों दफ़ा का जो दोनों इवेंट्स का जो टाइम है उनको जमा कर देते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीन वैल्यू 0.32 सेकेंड आ जाती है। इसके बाद हम इस टाइम का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी टी का स्क्वायर आपने लिया तो 0.32 का स्क्वायर हमारे पास आया है 0.102, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास फार्मूला जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फाइंड करने का, उसके लिए रिक्वायर है कि हम टोटल हाइट जो हमारे पास थी उसको टी के स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं। तो टी का स्क्वायर हमारे पास जो है वो 0.102 आया था। इसको जब हम हाइट से डिवाइड करते हैं, हाइट हमारे पास थी 0.5 मीटर, इसको जब हम टी के स्क्वायर यानी कि 0.102 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.490 आएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है 2 × h / t². अगर आप इस फार्मूले के अंदर h/t² की वैल्यू जो कि 0.490 है वो पुट करें और मल्टीप्लाई 2 से आप इसको करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9.8 m/s². इसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को आप डिफरेंट हाइट के ऊपर भी मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने हाइट रखी थी यहाँ पे 0.5 मीटर, आप यहाँ पे हाइट चेंज कर सकते हैं जिससे आपके पास डिफरेंट टाइम की वैल्यूज आएंगी, लेकिन लास्ट में आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रिजल्ट होगा वो 9.8 ही होगा। या आपके पास जो स्टैंड है विथ स्केल, आप यहाँ से हाइट वेरी कर सकते हैं, या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसके साथ पूरा ही क्लिप होता है, आप इसको अप एंड डाउन करके इसको हाइट 36, 40 या जिस तरह आप चाहें जिस भी हाइट पर आप रखें आप इसको सेट कर सकते हैं। और चाहे तो अगर आप ये जो हमारे पास बॉक्स है आप इसको भी अप एंड डाउन कर सकते हैं और अप एंड डाउन करके यहाँ से हाइट भी आप वेरी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।